तो वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स कॉल्ड बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, चैप्टर का नाम हमें मालूम है क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब बायो सेवर्ट्स लॉ क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली क्या है, इस टॉपिक से बहुत सारे कंसेप्ट हमारे रिलेट करते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, कि जो मैग्नेट होता है या जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। बिहेव का मतलब है कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक मैग्नेट है यहां पर, ये अंडरस्टैंड। तो अब ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक हम इस तरीके से पता लगाएंगे कि हम एक लेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, वर्ड समझिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे एक हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है यहाँ पे, सपोज हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, इसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। और जब ये आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से इसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक अपना जोर लगा रही है। तो ये इंटेंसिटी सपोज करो कि एक पॉइंट ले लिया हमने P, मतलब लगा तो ये सब दूर रही है, पर जब इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑब्जर्विंग पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है, इस P पॉइंट को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का एक असर हो रहा है, तो उसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे DB। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, DB ले रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, एक एंगल प्रोड्यूस होगा, मतलब कोई भी चीज के अंदर से जब करंट फ्लो होगा और हमने एक ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या लिया हुआ है, पी, तो यहाँ पे एक एंगल प्रोड्यूस होगा, उस एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, थीटा। अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर से करंट स्ट्रॉन्ग फ्लो होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग करंट होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, स्ट्रॉन्ग करंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, DB इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, DB यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर लेंथ ज्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी लंबी होगी, मतलब ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा और उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो DL इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड DB इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी एंगल भी उतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा। लेकिन अब क्या है कि DB इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है इसके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। मतलब ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है हमारे पास में P, ये इसके बीच में सपोज ये ऑब्जर्विंग पॉइंट अब यहाँ पे चला जाए तो यहां पे क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। तो हमेशा क्या होगा कि DB इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने देखा कि कितने रिलेशन तैयार हो गए, 1 2 3 4, फोर रिलेशन आर प्रिपेयर्ड, कंबाइन ऑल द रिलेशन, हम इन सारे रिलेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन। तो DB इज राइट प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, हमने यहां पे ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ये हटा दिया, तो यहां पे क्या आ गया, कांस्टेंट के, तो क्या बन गया, के की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, की कांस्टेंट वैल्यू होती ही है आपको याद रखनी है। तो हमने के की जगह पे क्या रख दिया, यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहां पे आ गया, इज इट क्लियर यहां तक। अब हम देख रहे हैं के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है। अब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स के अंदर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आएगी 10^-7, इज इट क्लियर, ये आपको रिमेंबर रखना है, 10^-7। जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी मानते हैं हम लोग यहाँ पे, जो म्यू नॉट है दैट्स कॉल्ड 4π × 10^7, ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी बन गई, म्यू नॉट अपॉन 4π। अब ये जो म्यू नॉट की वैल्यू है कितनी, हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू निकल रही है ना, ये हमने उठा के यहाँ पे रख दी 4π × 10^7, और ये 4π नीचे है,
तो ये जब कट जाएगा तो वापस हमको 10^7 मिल जाएगा। ये वन सेकेंड, एक बार ध्यान से देखो फिर से, 4π/μ0/4π, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी, 10^7। कैसे आई, क्योंकि म्यू नॉट क्या होता है, 4π × 10^-7, ये हमारे पास में जो कांस्टेंट हमने निकाला है, इसमें हमने ऊपर रख दिया ये वाली चीज उठाकर और नीचे रख दिया 4π से 4π कैंसिल, तो कितना 10^7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। सर एम्पियर की, क्योंकि करंट की बात हो रही है ना, यहाँ पे करंट की बात हो रही है हमारे पास में, इज इट क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट के अंदर इंपॉर्टेंट है, JEE के अंदर इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे एक सर्कुलर कॉइल किस तरीके से वर्क करती है, ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर जस्ट लुकिंग की एक रिलेशन देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और मैग्नेटिक कांस्टेंट का, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम है क्या होता है, 1/4π εo, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पहले देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखेगा जिसकी वैल्यू है 9 × 10^9, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अभी हमने इससे पहले जो बायो सेवर्ट्स लॉ के अंदर देखा था कि म्यू नॉट अपॉन 4π का जो कांस्टेंट है वो 10^7 था यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड सी, ये म्यू नॉट और सी के, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम म्यू नॉट लेंगे और एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे हमने क्या किया, 4π का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4π और ये बन गया 4π का ऊपर और नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 10^7 ये रख दी यहाँ पे, और 4π εo की वैल्यू हमारे पास में आ रही है यहाँ पे, ये रिवर्स में हम यहाँ पे लिख देंगे इसको नीचे 1/9 × 10^9, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 10^7 है ये नीचे आएगा, इन्वर्स वाली चीज़ जब नीचे आती है पॉजिटिव में हो जाती है, तो हो गया 10^16, 7 + 9 दैट को 16, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको पावर में, मतलब जैसे ये 9 है तो 9 का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 8 का ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 10^16, ये बन गया। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, 3 × 10^8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होती है इसकी वैल्यू, ये है स्पीड ऑफ लाइट, क्या ये 3 × 10^8 क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट को हमने लिख दिया यहाँ पे, ये तो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी से, सी इज इक्वल टू 3 × 10^8, ये हो गया हमारा सी यहाँ पर। तो हमने स्क्वायर ले लिया सी का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, सी यहाँ पे ले जाएंगे हम, सिंगल सी यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे सपोज करो कि ये जो सी है हमने यहाँ पे ले जाए, सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0εo, अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किसके ऊपर आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1/√μ0εo। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ जाएगी, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड ई नॉट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार और रिवर्स में देखें, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट एक बार अगर आपको ये आ गया तो इट वुड बी क्लियर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, कौन सा कॉन्स्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और ये है मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, म्यू नॉट और ई नॉट की बात करी, उसकी वैल्यू पुट करी हुई है यहाँ पे, इसका इनटू डिवाइड किया हुआ तब जाके वैल्यू आई है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम।